ये तो आज मैं आपको जो है वो तीन मिररलेस कैमरास बताने वाला हूँ जो कि व्लॉगिंग में इस टाइम की मार्केट के हिसाब से सबसे बेस्ट कैमरास हैं। तो यहाँ पर व्लॉगिंग में हमें जो है वो चार पांच चीज़ें जो है एक कैमरे में होना ज़रूरी है जिससे आप जो है व्लॉगिंग कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको जो है वो स्क्रीन उसकी रोटेट चाहिए ताकि आप जो है इस तरीके से उसको देख के जो है उसके अंदर वीडियो बना सकें। उसके बाद आपको जो है फेस ट्रैकिंग लाजमी चाहिए होती है। इसके अलावा आपको जो है टच स्क्रीन चाहिए होती है और आपको जो है कैमरा लाइट वेट होना चाहिए ताकि आप जो है उसके अंदर जो है बहुत ईजिली उसे कैरी कर सको, आपका हैंड जो है वो दर्द ना करे, यानी कि आप ज़्यादा देर उसे कैरी करोगे आपका हैंड जो है वो दर्द ना करे। उसके बाद आपको व्लॉगिंग में बी रोल्स जो है वो डालने होते हैं, उसके लिए आपको 120 FPS चाहिए जिसकी वजह से जो है आपकी सारी वीडियो जो आप बहुत अच्छे से स्लोमो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जरूरी फैक्टर ये है कि उसके अंदर आपका एक्सटर्नल माइक भी अटैच होना चाहिए जो आप कैमरा लेंगे व्लॉगिंग के लिए। तो यहाँ पर ये जो तीनों कैमराज मैं आपको बताने वाला हूँ इनके अंदर जो है ये सारे फीचर जो अवेलेबल हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। यहाँ पर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी जो है कंडीशन के हिसाब से जो है आपने कैमरा बाय करना है। मैं आपको तीन कैमराज बता दूंगा, उसमें आपने अपने बजट के लिहाज से और जो है अपनी टेस्ट के लिहाज से आपने कैमरा जो है बाय कर लेना है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वाले कैमराज बाय करेंगे तो आप जो है वो बहुत अच्छे लेवल की व्लॉगिंग जो है वो कर सकते हैं, आपको कोई भी मुश्किल जो है वो पेश नहीं आने वाली। यहाँ पर जो तीनों कैमराज मैं आपके लिए लेके आया उनमें जो है एक 6100 है सोनी का, इसके अलावा ZV-1F जो है, इसके अलावा M50 Mark II। ये तीनों कैमरा जो इनकी स्पेक्स में आपको बता देता हूँ, प्राइस बता देता हूँ और एंड पे आपको बताऊँगा कि इनमें से मुझे सबसे बेस्ट कौन सा लगता है या जो है मैं कौन सा बाय करूँ अगर मैंने बाय करना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोनी A6100 से। ये वाला कैमरा जो है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आप जो है वो जो है व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं सीरियसली। इसके अलावा आप जो इसे यूट्यूब वीडियो भी बना सकते हैं और जो है वेडिंग की वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन व्लॉगिंग की वीडियो भी बहुत अच्छी इसे जो है आप शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन देखें, आप स्क्रीन जो है इस तरीके से सामने ला सकते हैं, आप जो है देख सकते हैं कि आप जो है क्या बना रहे हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो ये और फीचर है, आप जो 120 FPS शूट कर सकते हैं और इसके अलावा इसके अंदर जो है आप कोई भी अच्छा लेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप जो 50 लगा सकते हैं बी रोल्स के लिए, या इसके अलावा इसका किट लेंस है और भी कई तरह के लेंस जो है वो आप जो है इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा सोनी का A6100 जिसका जो है इस टाइम प्राइस भी बहुत ही यानी कि बजट के अंदर है, आप जो है बहुत ईजिली इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने इसकी प्राइस भी लगा दी है न्यू में और यूज में। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारे पास ऐसा कैमरा है जिसका आप जो है लेंस नहीं चेंज कर सकते। ये जो पहले मैंने आपको बताया ये जो है इंटरचेंजेबल लेंस है, इसके अंदर आप कोई भी लेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, M50 के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है लेंस चेंज ना करें, बस एक ही लेंस हो आपके पास और आप इसी से सारी व्लॉगिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कैमरा बहुत ज्यादा लाइट वेट हो, यहाँ पर ये देखें इससे ये बहुत कम है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो, आपको क्वालिटी भी 4K मिले, 120 FPS भी मिले, इसके अंदर 4K भी आपको मिल रहा है, 120 FPS भी मिल रहा है, इसके अंदर भी आपको 4K 120 FPS मिल रहा है, इसके बाद इसके अंदर भी आपको टच स्क्रीन रोटेट स्क्रीन मिल रही है, उसके अंदर भी मिल रही है। लेकिन आपकी अब च्वाइस है कि आप जो है वो किस तरीके से जो है वो देखना चाहते हैं। यहाँ पर इसके अंदर जो है आपको बिल्ट इन लेंस मिल जाता है, आपको लेंस जो है अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लेंस चेंज करने की जरूरत है। आपको इसके अंदर जो है 20mm f/2 का लेंस जो है मिल जाता है जो कि काफी अच्छा जो आपको लो लाइट रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है, डे में भी आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करेगा बहुत अच्छी। इसके अंदर जो की फीचर है वो मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर जो है 4K वीडियो है 30 FPS पे और जो फुल HD पे 120 है ऊपर ये रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा टच स्क्रीन मौजूद है, रोटेट स्क्रीन मौजूद है, इसके अलावा जो है आपको इसके अंदर जो है लेंस जो बिल्ट इन मिल जाता है। इसके अलावा माइक की पोर्ट जो है मौजूद है, आप एक्सटर्नल माइक इसके साथ लगा सकते हैं और बहुत ही ईजी टू यूज़ है, बहुत ही यानी कि जो अगर कोई भी बिगनर है, बहुत ज़्यादा बिगनर है और जो है वो इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि क्या वो सेटिंग रखे क्या ना रखे, आप देखें इसके अंदर कुछ ही एक दो सेटिंग्स बस आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आप मैनुअल पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ऑटो पे भी यूज़ करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर ये जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर कोई फुल बिगनर है और वो चाहता है कि मैं कोई सेटिंग ना छेड़ूँ, बस कैमरा उठाऊँ और व्लॉगिंग शुरू, तो वो जो है सारा इसके अंदर बिल्ट इन माइक भी मौजूद है, आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन जो है वो हो सकता है। यहाँ पर जो इसकी प्राइस भी मैंने लगा दी है न्यू एंड यूज़ में, आप जो है इसे बाय कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कैनन की तरफ। पहले नंबर पे सोनी को मैं प्रेफर करता हूँ अगर आप जो है वो लेना चाहते हैं व्लॉगिंग के लिए, दूसरे नंबर पे मैं कैनन को जो है आपको रिकमेंड करूँगा, तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल से इस टाइम कोई कैमरा नहीं है, नाइकन जो है वो इस टाइम मुझे नहीं लगता कि आप उसे व्लॉगिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कैनन का M50 Mark II जो कि M50 आया था
था, ये उससे अगला लेटेस्ट मॉडल आया है। तो यहाँ पर इसके अंदर सारे व्लॉगिंग के ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर जो है आप लेंस भी चेंज कर सकते हैं, जिस कैमरे में आप लेंस चेंज कर सकते हैं उससे आप जो है वेडिंग की वीडियो, यूट्यूब की वीडियो और भी कई तरह की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है लेंस चेंज करने का ऑप्शन जो है मौजूद है। आप जो कोई भी लेंस लगाकर किसी भी तरह का वर्क जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर सारे जो आपको मैं की फीचर बता देता हूँ, यहाँ पर इसकी स्क्रीन जो है वो रोटेट है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर टच स्क्रीन है, इसके अंदर फेस ट्रैकिंग, आई ट्रैकिंग मौजूद है। इसके अलावा गाइस इसके अंदर आप जो है वो माइक लगा सकते हैं, एक्सटर्नल माइक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। आप जो है बी रोल लेने के लिए कोई भी अच्छा लेंस भी साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर आपको जो है वो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाता है, जो कि फोकस आपका बहुत ही स्टैंडिंग हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो अगर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो आप जो है इसके अंदर 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप इसके अंदर फुल HD पे 60 FPS के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये दो कैमराज के अंदर आप जो 120 में शूट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आप जो 60 फ्रेम के ऊपर जो वो शूट कर सकते हैं। अगर आप फिर भी इसे बाय करना चाहते हैं व्लॉगिंग के लिए, आपको जो कैनन की कलर टोन पसंद है तो आप जो इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों कैमराज में मुझे कौन सा अच्छा लगता है कैमरा, जो कि मैं अगर बाय करना चाहूँ तो मैं बाय करूँगा व्लॉगिंग के लिए। तो यहाँ पर ये वाला जो एक कैमरा है इसको जो है मैं व्लॉगिंग के लिए चूज़ करूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो है मुझे सारे फीचर जो है व्लॉगिंग के सारे मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे फीचर जो हैं इसके अंदर जो है मौजूद हैं। बिल्ट इन आपको जो है मिल जाता है F2 का जो है लेंस मिल जाता है, जिससे आप जो है बहुत अच्छी लो लाइट वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, डे में बहुत अच्छी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऐसे पकड़ सकते हैं दोनों हाथों में, और यहाँ पर स्क्रीन से देख कर जो है आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। जो दूसरे कैमरा इनको आप पकड़ तो सकते हैं ऐसे, लेकिन जब भी आप पकड़ेंगे इसे थोड़ी देर जो है वो तकरीबन 30 मिनट के लिए या 1 आवर के लिए, तो आपका जो है वो हैंड जो है वो आपका दुखना शुरू हो जाएगा, तो आपके हैंड में जो है वो पेन होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो अगर बाय करें तो ये वाला बाय करें। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन भी मौजूद है, इसके अंदर आपको माइक भी मिल जाता है, तो अगर आपके पास एक्सटर्नल माइक नहीं है तो आप बहुत इजीली जो है इसके अपना माइक यूज़ करके बहुत अच्छे से जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों कैमरा जो है मैंने आपको व्लॉगिंग के लिए बता दिए हैं, जो कि बेस्ट हैं। तीनों की प्राइस भी मैंने आपको साथ लगाकर जो है बता दिया है। अब जो आपने फैसला करना है आप जो कौन सा जो है कैमरा जो है बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये तीनों कैमरा में से कोई भी कैमरा बाय करना चाहते हैं तो न्यू कैमरा कॉर्नर लाहौर जो है वो निस्बत रोड के ऊपर ये वाले कैमरा जो है मौजूद हैं। यहाँ पर जो है मैंने नंबर भी लगा दिया है बाई का, आप जो है फ़ोन करके इनके रेट वगैरह पता कर सकते हैं लेटेस्ट रेट, क्योंकि ये मैंने जो लगाए हैं रेट ये आज के रेट हैं, लेकिन जैसे ही आप जो एक मंथ बाद या 2 मंथ बाद कॉल करेंगे तो अक्सर जो है डॉलर के ऊपर नीचे होने की वजह से रेट जो है वो चेंज हो जाते हैं। आप जो लेटेस्ट रेट पूछेंगे और जो है आप पूछेंगे कि ये वाला कैमरा जो है मौजूद है कि नहीं है। तो यहाँ पर आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी कमेंट में बताइएगा। आज की वीडियो जो यही तक थी, अगली वीडियो तक के लिए बाय।